फर्नीचर का पीछे स्टॉल लगा हुआ है और हम भी आपको जाते समय एक गेट पर एंट्री पर एक गिफ्ट देंगे हर एक व्यक्ति को। उसमें स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दिए गए उद्गार जो हैं उन्हें उद्धृत करके दो दो सेंटेंस के अंदर ये सारी कलेक्शन रामाकृष्ण मिशन की है। हमने तो सारे लिटरेचर में एक छोटा सा छांटा जो आपको दे सके। इसके अतिरिक्त मैं आपसे निवेदन करता हूं, मिशन के साथ कभी कभी जाना रखें तो आपको लगेगा कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोई आपको गाइड करने वाला नहीं है, आपके अपने अंदर सब कुछ है, आप स्वयं खड़े हो जाओ, निश्चय कर लो तो विजय आपको प्राप्त होगी, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये शब्द उनके याद रखना, उठो जागो तब तक रुको मत जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ये उनकी एक दिए हुए शब्द है। युवा थे और उस मैं समझता हूं कि छोटी सी एक मेरे दिमाग में जो बात आई, हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, युवक थे, युवकों के प्रेरणा स्रोत थे, आज वरुण गांधी जी भी युवकों के प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे सांसद हैं, आप सभी युवा हैं और प्रोफेसर हमेशा, चाहे गणेशन जी हो मैं हो, हम तो हमेशा युवा रहेंगे क्योंकि प्रोफेसर हमेशा जानते किन के बीच में रहते हैं, 16 साल से 21 साल के बीच में उन्हीं के साथ संबंध रहता है हमेशा, प्रोफेसर इज ऑलवेज यंग। तो युवाओं का संगम है, उस नाते से मैं इस संगम के अंदर वरुण जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उन्होंने हमारी एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट को बड़े हृदय देख करके उन्होंने कहा, मुखी जी आपने कहा है मैं हर हालत में युवकों के अंदर आऊंगा। और एक बार पहले वो जहां आए थे C3 ब्लॉक में हमने युवाओं का कार्यक्रम किया था, वो भी याद कर रहे थे, मुखी जी वो भी युवाओं का कार्यक्रम था, हाँ मैंने कहा ये भी युवाओं का कार्यक्रम है। तो आज ये संगम युवाओं का है, युवा नेता हमारे के बीच में है, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं तो हमेशा आपके बीच में यहां पर रहता हूं और मेरा तो एक ही मिशन है, राजनीति में आना मेरा लक्ष्य नहीं है, राजनीति में औहदा प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं है, मैं सारे औहदे छोड़ करके राजनीति में आया था तो केवल एक मिशन लेकर के आया था, वो सेवा का मिशन है। आपसे यही निवेदन है, ये भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे ये सद्बुद्धि हमेशा मिली रहे, मेरी बुद्धि ठीक रहे और मैं हमेशा के लिए आपके लोगों की सेवा करता रहूं। इन्हीं शब्दों के साथ ही मैं अधिक समय ना लेते हुए श्री वरुण गांधी जी से निवेदन कर रहा हूं, आकर के युवाओं का मार्गदर्शन करें। श्री वरुण गांधी जी, जोरदार शब्दों के अंदर जोरदार तालियों के साथ स्वागत, धन्यवाद। ऐसे उद्गार लिए हुए मन में, आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती हैं, छातियां जहां संगीनों से डरती हैं, शोणित की जगह जहां अश्रु बहता है वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें सब देश का प्यार नहीं। और ऐसे वरुण गांधी जी, जब से सुना है जिंदगी मौत की अमानत है, सर पे बांधे कफन उसके कातिल को ढूंढते हैं, जहां भी जाते हैं आप सबकी धड़कन साथ लेकर जाते हैं, युवाओं के दिल की धड़कन, वरुण गांधी जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं इस जनकपुरी के मंच पे, जोरदार एक बार हाथ उठा करके तालियां बजा करके, भारत माता की, भारत माता की। परम आदरणीय प्रोफेसर मुखी जी, परम आदरणीय प्रोफेसर ईश्वरन जी, परम आदरणीय श्रीमती रजनी ममतानी जी, परम आदरणीय श्री अनिल सबरवाल जी, आदरणीय शिवम छाबड़ा जी, भाइयों बहनों बुजुर्गों, मैं ज्यादा तो
नहीं बोलना चाहता, मैं दो ही तीन चीज़ कहना चाहता हूँ। ये सच है कि मैं कम उम्र में सांसद बना, लेकिन ये बात हमेशा मुझे खलती है। नहीं ठीक है, ये बात हमेशा मुझे खलती है कि मुझे ये मौका इसलिए मिला क्योंकि मेरे नाम के आगे गांधी लिखा था। अगर मेरे नाम के आगे मुखी लिखा होता या सूद लिखा होता या तनेजा लिखा होता या दीक्षित लिखा होता तो शायद मुझे ये मौका नहीं मिलता। आज राजनीति को आप देखिए, खेल जगत को आप देखिए, फिल्म जगत को आप देखिए, तो युवाओं के लिए लगभग सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं हमारे देश में। आप कोई नौकरी ढूंढने जाते हो तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि किसकी सिफारिश की चिट्ठी आप लाए हो, किसको आप जानते हो। अगर आप केवल अपने काबिलियत पे लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हो तो आज हमारे देश में ये आसान नहीं है। जब मैं देखता हूँ जिस तरीके के युवा मेरे क्षेत्र से, उत्तर प्रदेश के अनेकों क्षेत्र से, दिल्ली से, हरियाणा से, हिमाचल से मिलने आते हैं, तो वो मुझे एक ही चीज़ पूछते हैं कि साहब हमारे लिए फ़ोन कर लो, हमारे लिए सिफारिश कर लो। 4-6 दिन पहले एक लड़का मेरे से मिलने आया था झांसी से। उसने कहा कि भाई साहब राजीव शुक्ला जी को आप फ़ोन कर दो। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि मैं यूपी की क्रिकेट टीम में जगह चाहता हूँ। तो मैंने कहा भैया आपको यूपी के क्रिकेट टीम में यदि जगह ऐसे मिल भी गई तो क्या आप सोचते हो कि किसी काबिल व्यक्ति की जगह कट जाएगी और वो क्रिकेट टीम का स्टैंडर्ड फिर बिलो स्टैंडर्ड हो जाएगा? क्योंकि यदि आप में इतनी प्रतिभा थी तो ऑब्वियसली आपको वो जगह पहले मिल जाती। हमारे देश में लोग बहुत हैं, जगहें कम हैं, अवसर कम हैं। मैं जानता हूं कि जनसंख्या के बारे में बोलना राजनीतिक रूप से मुनासिब हमेशा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। और मैं हमेशा हर गांव में जाता हूं तो मैं उनसे कहता हूं छोटा परिवार, स्वस्थ परिवार, सुखी परिवार। मैं गांव में जाता हूं, मैं देखता हूं लोग के पास 6-6, 8-8 बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या भविष्य होगा? वो मजदूरी करेंगे? क्या हमारे देश में हम लोग एक एजुकेटेड वर्कफोर्स चाहते हैं? क्या मजदूरों और मजलूमों की फौज चाहते हैं? आज अगर हम लोग थोड़ा सा इतिहास पढ़ें, आपने स्वामी जी की बात की, मैं कहता हूं कि उससे पहले भी हम लोग जाएं, तो आप ये देखोगे कि हमारे देश में जो भी एक चिंतक बना है, जो भी एक विचारक बना है, वो बड़े आत्मचिंतन के बाद बना है, सोच करके। अगर आप गांधी जी के लेख को पढ़ें, He was a brilliant man. आप तिलक को पढ़ो, आप सुभाष चंद्र बोस को पढ़ो, आप पंडित जी को पढ़ो, स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, इन लोगों को पढ़ते हुए ये लगता है कि ये लोग बहुत गहरे सोच अपने अंदर इन्होंने तप करके प्राप्त की। आज हमारे देश में जितने नेता हैं उनसे आधे ऐसे होंगे जो कोई लिखाई पढ़ाई का काम नहीं करते, और इस वजह से आप पार्लियामेंट की डिबेट्स को आप यदि देखें तो इतनी लो स्टैंडर्ड की हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? इतनी लो स्टैंडर्ड की है कि शर्म आता है। मतलब आधी डिबेट्स में तो कोई किसी को कह रहा है भाई मैं तेरे को देख लूंगा, कोई कह रहा है मैं दिखा दूंगा। ये नहीं होना चाहिए लेवल पार्लियामेंट का।
आधे समय तो हमारे देश का संसद, उत्तर प्रदेश की विधानसभा पिछले साल 7 दिन चली है प्रोफेसर साहब। कितनी शर्म की बात। क्या आपकी दिल्ली की असेंबली चलती है ज्यादातर? नहीं। और वो भार केवल विपक्ष का नहीं है, वो भार इस सिस्टम का है। आज हम लोगों को इस व्यवस्था परिवर्तन के तरफ बढ़ना पड़ेगा। सब युवा हैं यहाँ पे। अगर सब युवा यहाँ तय करें कि कोई धर्म पे वोट नहीं देगा, कोई जाति पे वोट नहीं देगा, कोई क्षेत्रवाद पे वोट नहीं देगा। कल मैं मुंबई में था, बड़ा कार्यक्रम था, मैं फ्लाइट पकड़ के यहाँ आया केवल इसे कार्यक्रम के लिए। बड़ा कार्यक्रम था उत्तर भारतीयों का, तो उन्होंने कहा कि साहब उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के बारे में आप बोलिए। तो मैंने कहा भैया मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस पे। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब मेरे जैसे लोग आके मुंबई में उत्तर भारत की बात करेंगे तो राज ठाकरे जैसे लोग और मजबूत होंगे। मैंने कहा मैं बात करूंगा देश की, क्योंकि मेरे लिए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है हम चुनाव कहीं से लड़े हों, लेकिन हमारे पूर्वज कश्मीर से भी आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, सब जगह से आए हैं, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों, आज युवाओं को सोचना चाहिए दो मुद्दों के बारे में, एक तीन मुद्दों के बारे में। एक, हमारे देश की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। हमारे देश में आज रुपए 100 रुपए एक डॉलर पहले टच करेगा या पेट्रोल की कीमत 100 रुपए टच करेगी, इसमें रेस लगी हुई है। हमारे देश में हम इकोनॉमिक्स वो पढ़ा रहे हैं जो विदेश में 1970s में पढ़ाते थे। आज मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ। अगर हम लोग दिल पर हाथ रख के बोलें कि हम स्कूल और कॉलेज के बाद यदि ऐसा कुछ क्या हम सीखें जिससे हम लोग दुनिया में सफल हो सकें? नहीं। हम लोग 90% जो चीज़ सीखे हैं वो जीवन में हम लोगों को कैसे सफल बनाएं उसकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग नहीं देते हैं। हमारे देश में 60% किसान के बच्चे हैं और उसमें से 60% 70% खेती करेंगे। क्या उनको काश्तकारी के बारे में, खेती के बारे में सिखाया जाता है? नहीं। उनको केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ने से जितना लाभ होता है, शायद हम लोगों को ग्रामीण अंचल में एग्रीकल्चर एक सब्जेक्ट रखना चाहिए। क्या प्रोफेसर साहब? नहीं। अगर हम लोग लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दें गरीब बच्चों को, ताकि वो कुछ कमा सकें, उनको एक आसान रास्ता ना मिले। आज हमारे देश में इतनी वायलेंस बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि युवा के अंदर जो एनर्जी है ना, वो हमारे देश में आप स्पोर्ट्स को देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है वो जो एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए हमारे देश के लिए, वो एक बहुत बड़ा धब्बा बन गया। क्यों? क्योंकि हर चीज में नेता एक ही चीज सोचते हैं कि हम इसमें से हाथ कैसे डालें, हम इसमें से लाभ कैसे लें। ये युवाओं का कार्यक्रम है, लेकिन सब उम्र के लोग यहाँ हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये सच नहीं है कि हमारे देश में अनुशासन की कमी है? मैंने एक बार मैं रशिया गया था, मैं वहां मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे स्विमिंग सीख रहे हैं, 4-5 साल के बच्चे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। मैंने उनसे पूछा ये छोटे बच्चे जो हैं इनको आप इतने कम
उम्र में इतने ज्यादा कसरत क्यों करा रहे हैं? उन्होंने कहा, आपके देश में कितने ओलंपिक मेडल्स आते हैं और हमारे देश में कितने ओलंपिक मेडल्स आते हैं, क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? एक वो है, वो जो पहलवान है, क्या नाम है उनका, जिन्होंने स्कूल, क्या नाम है, नहीं नहीं नहीं, जो टीचर हैं सबके, सत्यपाल जी, गुरु सत्यपाल, एक आदमी ने संकल्प लेके देश का झंडा कितना ऊंचा किया है एक छोटे से स्कूल के साथ। अगर हम लोग पहले से तय करें, माझियों के बच्चे होते हैं जो फिशरमैन होते हैं ना, निषाद जो होते हैं, उनके बच्चे 2 साल की उम्र से तैरते हैं, क्यों नहीं हम लोग एक एक्वाटिक एकेडमी, एक स्विमिंग एकेडमी उनके लिए खोलें? हम लोग को देश में विजन ढूंढना पड़ेगा। आज हमारे लीडरशिप में कोई विजन नहीं है, कोई दूरदृष्टा नहीं है। सब नेता यही सोच रहे, एक चुनाव में जीत जाऊं, आर्थिक रूप से थोड़ा मैं मजबूत हो जाऊं, थोड़ा मेरा परिवार भी ठीक हो जाए, दिल्ली में एक घर भी हो, एक फार्म हाउस भी हो, कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी हो जाए। ऐसे नहीं होगा देश आगे। आप मुझे बताओ, इतने लोग कन्विक्ट हो गए, उनको जेल हो गई करप्शन के चार्जेस पे, क्या उनमें से एक भी व्यक्ति है जो जेल में रहा? नहीं। क्या कलमाडी जेल में रहा? नहीं। क्या ए राजा जेल में रहा? नहीं। ये गए, 2 महीने बाद इन्होंने कोई बढ़िया वकील लिया जो 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए पर अपीयरेंस लेता है, और उनको बेल मिल गई। कितनी शर्म की बात है। आज हिंदुस्तान किन कारणों से जाना जा रहा है? हम लोग, मैं यहाँ आया हूँ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ देख के, क्योंकि बहुत वृक्ष हैं यहाँ पे। हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है वो पर्यावरण और पानी की आने वाली है। आज आप दिल्ली में रहते हो, वसंत विहार में प्रॉपर्टी के रेट्स 20% गिर गए हैं क्योंकि वहां पे पानी नहीं है। और ये हाल अगर हम लोगों ने, क्या आप प्रोफेसर साहब कभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं? हम लोगों को, हर युवा को, अगर आज आप मुझे सुनने आए हैं तो एक मेरी प्रार्थना आपसे, जस्ट वन थिंग, आप कल या परसों या एक हफ्ते बाद अपने घर में एक पेड़ लगा दीजिए, दैट्स ऑल। एक पेड़, यूकेलिप्टस का मत लगाइए क्योंकि वो पानी बहुत चूसता है, एक फ्रूट गिविंग ट्री, चाहे आम का हो, चाहे जामुन का हो, चाहे नीम हो या पीपल हो, एक पेड़ लगा दीजिए। आप देखोगे कितना फायदा होता है 5 साल में। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल सोच आपको बोलना चाहता हूँ, मैं कोई राष्ट्रभक्ति के बारे में आपको कुछ बोलूँ उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राष्ट्रभक्ति आप में भी है और हम में भी है, लेकिन राष्ट्रभक्ति कितनी है? आप हिंदुस्तान में चलते हो, लोग थूकते हैं सड़क पे, अगर आप उनसे पूछिए कि इस सड़क पे आप क्यों थूक रहे हो, वो कहते हैं तुम्हारी बाप की सड़क है। नहीं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है साहब। आप अमेरिका में नहीं देखोगे लोग को थूकते हुए, उनको लगता है वो सड़क अपनी है, ये देश हमारा है। लेकिन हमारे देश में हम लोगों को नहीं लगता ये देश हमारा है। हम लोग राष्ट्रगान करने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप किसी को बोलो कि इस कॉलोनी में बहुत कूड़ा है, हम जाके सब लोग उसको अपने हाथ से साफ करें, लोग कह रहे हैं हम क्यों करें भैया, सफाई कर्मचारियों को बुलाओ। क्या मैं सही कह रहा हूँ कि मैं गलत कह रहा हूँ? मैंने एक छोटी सी चीज देखी। मैं महारानी बाग में रहता था पहले, मेरी माँ ने मुझे बोला हम लोगों को 1000-2000 पेड़ अपने पैसे से महारानी बाग में लगाने चाहिए। तो उन्होंने कॉलोनी के एसोसिएशन को पूछा, उन्होंने कहा जी हम इंटरेस्टेड नहीं है इस काम में। मेरी माँ ने कहा ठीक है हम लोग कर लेते। तो हम लोगों ने 10-20 मालियों को रखा और उनको कहा कि 2-3 हज़ार पेड़ आप पूरे कॉलोनी में आप डालिए। उसका नतीजा ये हुआ
कि महारानी बाग की प्रॉपर्टी वैल्यूज डबल हो गई, क्योंकि लोगों ने कहा कितना हरा भरा कॉलोनी है ये, हम लोगों को वहाँ होना चाहिए। हमारे देश में साहब हम लोगों को एक विजन के साथ आगे बढ़ना है। आज हॉस्पिटल्स बहुत हैं, स्कूल्स बहुत हैं, लेकिन टीचर ट्रेनिंग नहीं है। मैं शाहजहांपुर में एक जगह पुआया में जा रहा था, बढ़िया सा स्कूल मैंने देखा भवन, तो मैं अंदर गया और मैंने देखा कि टीचर सब बच्चों से अपनी मालिश लगा रहा था। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, सब बच्चे कोई उसका पैर दबा रहा था, कोई उसका मालिश कर रहा था। तो मैंने उसने मुझे देखा और कह रहे नहीं नहीं साहब आज मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि मुझे लगता है आपका दिमाग खराब है, मगर आप बच्चों से अपने मालिश करा रहे हो।